कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन में शांतिनगर थाना अंतर्गत UPMP आने जाने वाले दो प्रमुख मार्गों को सील कर दिया गया है। शांतिनगर थाना प्रभारी अंजनी रॉय के निर्देशन में पुलिस टीम बॉर्डर पर 24 घंटे मुस्तैद है। दिन में चिलचिलाती धूप और रात के अंधेरों में पुलिस वालों को दिक्कत तो खूब आती है, लेकिन जनता की हिफाजत के लिए अपना दर्द महसूस नहीं होने दे रहे हैं। अपनों से दूर रहकर और अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस वाले ड्यूटी करते नजर भी आ रहे हैं। शांतिनगर थाना क्षेत्र में MP जाने वाले मुख्य मार्ग ASI जितेंद्र कुमार, ASI हरिनारायण यादव, कांस्टेबल अशोक सिंह व कांस्टेबल अजय यादव ड्यूटी करते हुए नजर आए। पुलिस वाले बॉर्डर पर बगैर अनुमति के आने जाने वाले लोगों को वापस भेज रहे हैं। वहीं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करते नजर आए सोनभद्र SP आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि नाकों पर 24 घंटे पुलिस तैनात है। जिले को स्पर्श करने वाले सभी जनपदों और प्रांतों की सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए शासन प्रशासन अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।